कुमार, क्षेत्र समन्वयक वैशाली और बेगूसराय जिले का। ये अंतर्राष्ट्रीय पशुधन अनुसंधान संस्थान सीसा परियोजना के अंतर्गत ये मक्के की कुट्टी को यूरिया से उपचारित करके किसानों को इसके बारे में प्रशिक्षण दे रही है और बता रही है कि इसका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और ये पशु के लिए सूखे चारे का एक अल्टरनेटिव सोर्स भी है, क्योंकि बहुत सीजन में कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि कुट्टी उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है या बहुत महंगे रेट पे मिलती है, तो उस समय इसका हम लोग बहुत बढ़िया उपयोग कर सकते हैं किसान भाई, और इससे दूध वृद्धि होती है, सेहत में सुधार भी होता है। और एक हमारे पास ये पत्रिका है जिसमें सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है, कैसे कर सकते हैं, क्या कैसे इसको खिलाना है और क्या क्या इसमें बातों की ध्यान रखनी है, इन सभी चीज़ों की जानकारी इसमें समुचित है। और ये हम लोग किसानों को जगह जगह पर प्रशिक्षण के दौरान और ऐसे इसको देते हैं ताकि किसान पढ़ें और इसका खुद से बनाएं मक्के की उपचार करने की तरीके को। प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। भैया, ये मक्का के ढठेरा के कुट्टी के बाहर फैला के क्या कर रहे हैं? इस मकई के कुट्टी को यूरिया से उपचारित करने के लिए यहाँ रखे हैं। इसको यूरिया से उपचारित करने के बाद पशुओं को खिलाएंगे। अच्छा, उपचारित करके खिलाइए जी। अच्छा भैया, तो ये कुट्टी को उपचार जो कीजिएगा उपचारित यूरिया से, तो कैसे कीजिएगा, थोड़ा हम भी देख लेते। तो हम यूरिया से उपचारित कैसे करेंगे ये तो हम बता ही देंगे, लेकिन भैया पहले थोड़ा आप हमको परिचय बता दीजिए। ठीक है। मेरा नाम विजय कुमार हुआ, मैं बोछा ब्लॉक के रहने वाला। मेरा नाम रामनंदन प्रसाद हुआ, मैं गन्नीपुर बेझा गांव का रहने वाला हूँ, ये किसान। मक्के की कुट्टी को उपचारित करने के लिए क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है पहले उसको जान लीजिए। पहले 100 kg एक कुंटल कुट्टी लेते हैं, 2.5 kg यूरिया लेते हैं, उसको 50 लीटर पानी में घोल करके 5-6 इंच का लेयर बना लेते हैं कुट्टी को, और उसके बाद झरना से पानी छींट देते हैं। पानी छींटने के बाद उसको मुट्ठी बांध के देखते हैं कि अगर गीला है तो इसको थोड़ा धूप में छोड़ देते हैं, और फिर मुट्ठी बांध के देखते हैं। जब देखते हैं कि खुल जाता है तब इसको प्लास्टिक से ढक देते हैं। यहाँ देखिए प्लास्टिक भी है, इस तरह से ढकते हैं कि इसमें हवा अंदर न जाए। इसको ढकने के बाद 21 दिन तक छोड़ देते हैं, और उसके बाद इसको भूसा घर में या जो घर है रखने के लिए उसमें रख देते हैं। ये 50 लीटर पानी है, इसमें 2.5 kg यूरिया का घोल बना रहे हैं। ठीक है। ये अच्छा भैया, दोनों बाल्टी में लेकर के 50 लीटर पानी है जी? दोनों बाल्टी में 50 लीटर पानी है। ठीक है। ये भैया अब घोल तैयार हो गया, इसको झरना में रख करके और इसके बाद कुट्टी पर छिड़केंगे। अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको इस तरह से मुट्ठी बांध लेते हैं। इसको अगर मुट्ठी बंधा हुआ रह जाता है तो इसको थोड़ी देर के लिए धूप में छोड़ देते हैं, ढक देते हैं, अच्छी तरह से ढकते हैं जिससे कि इसमें हवा न जाए, और 21 दिन तक इसको छोड़ देते हैं, उसके बाद खिलाते हैं। इसको इस तरह से अच्छा से ढक देते हैं जिससे कि बाहरी हवा इसमें न जाए, और 21 दिन तक इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। अच्छा। और इसके बाद इसको अपना उचित जगह पर रख देते हैं। हाँ। इसके बाद पशुओं को खिलाते रहते हैं। 21 दिन के बाद खिलाना शुरू कर जी 21 दिन के बाद खिलाना शुरू कर। इसको खिलाने से और क्या क्या फायदा है भैया? इसको खिलाने से एक नंबर में तो दूध की बढ़ोतरी होती है। अच्छा। उसके बाद फैट SNF में भी सुधार होता है। अच्छा। और सबसे फायदा किसान को ये होता है कि जिस समय में धान का भूसा
धान का पुआल गेहूं का भूसा महंगा रहता है, तो उस स्थिति में इसको खिलाने से आर्थिक बचत भी होती है। हाँ हाँ, कभी कभी धान का भूसा मिलना मुश्किल हो जाता जी। तो और जो है ये उपचारित कुट्टी खिलाने से, यूरिया उपचारित कुट्टी खिलाने से और क्या क्या फायदा है भैया? यूरिया से जब इसको उपचारित कर देते हैं तो इस कुट्टी में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। अच्छा, जिससे कि पशुओं को दाना की कम मात्रा में भी पशु सुरक्षित रहता है। अच्छा, कम दाना खिलाने से भी प्रोटीन उतना ही मिलता है? जी, प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है। अच्छा, इतना सारा जानकारी दिए, हमको बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग भी अपने पशु को, कुट्टी को यूरिया उपचार करके ही खिलाएंगे और लोगों को जानकारी देंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जी धन्यवाद भैया। कुछ साल होने कुछ ऐसा पीरियड आता है जो खास करके सूखा चारा, ड्राई फोडर जिसको कहते हैं, बहुत ही स्कार्सिटी हो जाती है और उस समय में उसका रेट बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, चूँकि अपने पास ये व्यवस्था है मेज की कुट्टी का, लेकिन हम लोग उसको जानकारी के अभाव में उसको यूज नहीं कर पाते हैं। तो उस पीरियड में यदि अपने पास मक्के की कुट्टी है तो उसको स्टोर करके रख लेते हैं और यूरिया से उपचारित करके उसको स्कार्सिटी पीरियड में उसको हम लोग खिलाते हैं। इससे हमारा दो तरह का फायदा हो सकता है। एक तो कि चूँकि यूरिया उपचारित करते हैं तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, वो नाइट्रोजन जब हम 21 दिन तक रखते हैं उसमें नाइट्रोजन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन का सोर्स हो जाता है जी। जो शरीर में कमी हो जाती है जानवर को, वो उससे पूरा हो जाता है, इस कारण जानवर में दाने की खपत भी कम हो जाती है और ओवरऑल सेहत भी बढ़िया हो जाता है, दूध का उत्पादन भी बढ़ हो जाता है, फैट SNF भी बढ़ जाता है। और इसका एक जो बहुत फ़ायदा है जो किसान भाई जिसके कारण नहीं खिला पाते हैं, वो है इसका जो गाठ होता है मक्के की कुट्टी का, वो बहुत हार्ड होता है, कड़ा होता है, इससे कारण जानवरों को खाने में दिक्कत होती है और नहीं खा पाती हमारी गाय भैंसें। लेकिन जब इसको हम यूरिया से ट्रीटमेंट कर देते हैं और 21 दिन तक रख लेते हैं तो इसका गांठ बहुत सॉफ्ट हो जाता है और खाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, जिससे जानवर बहुत चाव से खाता है। जी जी, मुलायम होने के कारण जानवर अधिक खाता है। हाँ हाँ, तो कई किसानों से पूछने पर ये पता चला है कि कम से कम 20-25 रुपया जी प्रति जानवर जी, इससे हम लोग बचत कर सकते हैं यूरिया उपचारित मक्के की कुट्टी खिला जी। तो यूरिया से उपचारित ढठेरे का जो है, मक्का का जो कुट्टी है सर, उसको खिलाने में और कोई सावधानी भी बरतना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसको खिलाते समय दो बात का ध्यान रखना चाहिए। एक तो कि पानी की उपलब्धता हमेशा होनी चाहिए जी। क्योंकि ये क्योंकि प्रोटीनियस हो जाता है, ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा इसमें हो जाता है तो प्यास जानवर को बहुत लगता है, तो आप इस तरह की उपलब्धता होनी चाहिए जब भी जानवर को प्यास लगे तो उसको पानी मिल जाए। अब दूसरा जो है इसका ध्यान रखने की बात है, वो है यदि इसके साथ साथ यूरिया उपचारित मक्के कुट्टी के साथ साथ 100 से 200 ग्राम यदि गुड़ खिलाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगा, इससे इसका दूध पर और सेहत पर भी बहुत अच्छा प्रभाव होगा।